स्थित कैवेंडिश टायर फैक्ट्री प्रबंधन और 6 कर्मचारी यूनियनों के बीच में काफी समय से चला रहा विवाद सुलझ गया है। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की मौजूदगी में हुई वार्ता में प्रबंधन ने कर्मचारियों की 5 में से 4 मांगे मान ली हैं और इसी घोषणा के साथ में कर्मचारियों ने अपना जो धरना था उसको समाप्त कर दिया है। लक्ष्य की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कैवेंडिश टायर फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारियों में बात बन गई है, समझौता हो गया है। काफी समय से ये विवाद चला आ रहा था लेकिन अब ये सुलझ गया है। प्रबंधन कर्मचारियों की जो 5 में से 4 मांगे हैं वो मान ली, इसी को लेकर के धरना खत्म हो गया है। कर्मचारियों ने धरना खत्म कर दिया है। कि कल मुख्यमंत्री जी ने मेरी और हमारे चैंपियन साहब की और हमारे गुप्ता जी और जिलाधिकारी की ये ड्यूटी लगाई कि आप प्रबंधन जो हमारा कंपनी का प्रबंधन है उससे वार्ता करें और अपने जो भी इनकी 5 मांगे हमारे कर्मचारी यूनियनों की उसको आप पूरा करवाएं। 4 बात मान ली गई है, 1 बात 15 दिन के बाद उसको भी हम पूरी कराएंगे और मैं अपने सभी कर्मिकों का और अपने प्रबंधन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को उन्होंने सिर माथे पर रखा और श्रमिकों की बात को। सिंह धामी जी, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। जब मैं उनके दरबार में अब से 1.5 महीना पहले गया था, उन्होंने स्वामी जी को बुला के कहा था कि स्वामी जी आप राज्य के मंत्री हैं, आप इस समय हरिद्वार के प्रभारी हैं, आपको देखना है, आप देखिए जो देखना है। उस समय कुछ परिस्थितियाँ रही, बात नहीं बन पाई, लेकिन आज जब कल हम गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय स्वामी जी और हम दोनों गए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि फैक्ट्री प्रबंधन से कहा जाए कि जो कायदे की बात हो वो माने और मजदूरों से कहा जाए जो कायदे की बात हो वो माने।